दोस्तों एशिया कप 2023 शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज महामुकाबले को देखने के लिए सारी तैयारियां कर चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम भी पाकिस्तान को कुचलने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। कप्तान रोहित शर्मा, किंग कोहली, बुम बुम बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हार नहीं पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच होना भारत के सम्मान पर आ जाता है और भारत का सम्मान हर खिलाड़ी के लिए सबसे ऊंचा होता है। कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम की खतरनाक मौजूद प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चुन चुन कर हिसाब करेंगे, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे धाकड़ खुखार खिलाड़ियों को शामिल किया है जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। पाकिस्तानी बल्लेबाज हो या गेंदबाज किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। भारतीय टीम अपने तिरंगे को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ लहराना चाहती है, जिसके लिए अपना जी जान ही क्यों ना लगाना पड़े। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और तेज गेंदबाज शहबाज अफरीदी भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक प्लेइंग 11 को देखकर अभी से ही सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में उन खिलाड़ियों को ही शामिल किया है जो कि अभी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जो अकेले के दम पर पाकिस्तान की टीम को मसल कर रख देंगे। उनके अंदर वो जज्बा है, वो हौसला है जो कभी भी भारत के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 भूखे शेरों को शामिल किया है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या रहेगी प्लेइंग 11 या मुकाबला दिन में कितने बजे से शुरू होगा, इस मुकाबले का आप लाइव प्रसारण कैसे अपने मोबाइल और टीवी पर देख सकते हैं, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, साफ रेदी और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आपको बिना ज्यादा वक्त लेते हुए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें एशिया कप की सभी टीमें भाग लेंगी। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या टीमें एक दूसरे को कुचलकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। 30 सितंबर को पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच पाकिस्तान के मुल्ताना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में 4 मुकाबले खेले जाएंगे, बाकी के बचे हुए सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर डीडी स्पोर्ट और स्टार नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तो आप अपने मोबाइल पर हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। एशिया कप में भारतीय टीम का वैसे तो दबदबा रहता है, भारतीय टीम अभी तक 6 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है, तो वहीं पर इसके बाद श्रीलंका ने 5 बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। लेकिन एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच होते हैं। इन दोनों ही टीमों के बीच जब मुकाबला होता है तो रोमांचक की सारी हदें पार हो जाती है, क्रिकेट देखने वाले फैंस की सांसें तक रुक जाती है, पूरा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया इंडिया के नाम से गूंज उठता है। तो चलिए दोस्तों बिना ज्यादा वक्त गवाए अब आपको पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक मौजूद प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओपनिंग बैटर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा का एशिया कप में रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 2 बार शतक लगा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा को खेलने का शानदार अनुभव है। वह जब एक बार मैदान में सेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज हो उसकी जमकर धुलाई करते हैं। हिटमैन भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं तो वहीं उनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही रहने वाली है। ऊपर से इस मुकाबले में प्रेशर हर एक खिलाड़ी पर रहता है। तो वहीं पर दोस्तों बात करें सुमन गिल के तो सुमन गिल आने वाले समय में विराट कोहली का दूसरा रूप है। उनके पास बैटिंग करने की क्षमता बिल्कुल किंग कोहली की तरह है। सुमन गिल एक युवा ओपनर बल्लेबाज हैं और उनकी काबिलियत आप सभी ने तो अच्छी तरह से देखा ही होगा। सुमन गिल अभी तक वनडे फॉर्मेट, T20 टेस्ट तीनों फॉर्मेट में शतक लगाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि सुमन गिल कप्तान रोहित शर्मा के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जीत जरूर दिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का घमंड तोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नंबर 3 पर किंग कोहली को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ही अच्छे मित्र हैं। विराट कोहली टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और पूरी जिम्मेदारी रणनीति के साथ उठाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के पास हमेशा 2 प्लान होते हैं।
मैदान में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, और जब मैदान में फील्डिंग करने आए तो गेंदबाजों को बेहतर तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए प्लान तैयार रहता है। किंग कोहली वनडे फॉर्म में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और खास करके दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने पसंद आते हैं। पिछली बार हुए T20 वर्ल्ड कप में किंग कोहली ने एक हार के मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई थी। तो वहीं पर 204 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ईशान किशन पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका पहला मुकाबला होगा। ईशान किशन के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा भी अनुभव की कमी हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन ने अभी तक विपक्षी टीमों के खिलाफ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीरीज ही खेली है, वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलने का उन्हें अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी यकीन मानिए, ईशान किशन अपना पूरा जी जान लगाकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में मदद करेंगे। नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उपकप्तान हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक बेहतरीन तरीके से रणनीति निभाएंगे जो कि पाकिस्तान को धूल चटाने में मदद करेगी। हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही कमाल की रहती है, चाहे वह चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप। पिछली बार वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ तबाही मचा दी थी। 206 पर दुनिया के सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया है। रोहित शर्मा को जडेजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, क्योंकि जडेजा अभी तक भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। जडेजा एक अच्छी क्वालिटी के बल्लेबाज होने के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी करने में माहिर है। श्रीलंका के पिच पर रविंद्र जडेजा की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिल गया है। अक्षर पटेल पहली बार एशिया कप में मुकाबला खेलेंगे, वह भी पाकिस्तान के टीम के खिलाफ। एशिया कप में उनका जो एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, आने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल का मौका मिल सकता है, जिसमें उन्हें एशिया कप का बेहतर अनुभव बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जबकि दोस्तों, स्पिन गेंदबाजी को मजबूत बनाने के लिए चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिला है। कुलदीप यादव इससे पहले जब आखिरी बार एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था, तो अपने पहले ही ओवर की गेंद पर बाबर आजम को बोल्ड कर दिया था। कुलदीप यादव भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर गेंदबाज हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेल चुके हैं। ऐसे में इस बार एशिया कप 2023 में भारतीय टीम को चैंपियन जरूर बनाएंगे। जबकि दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो भारतीय टीम में 3 धाकड़ गेंदबाजों को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इन तीनों ही गेंदबाजों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे मुकाबले खेल चुके हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप में पाकिस्तान का आमना सामना भारत से होता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी है। जसप्रीत बुमराह काफ़ी लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और उनकी यार्कर लेंथ की गेंदबाजी पाकिस्तान को उखाड़ कर फेंक देगी। तो वहीं पर दोस्तों, बात करें मोहम्मद सिराज की, तो इनके पास रफ्तार की कोई कमी नहीं है। उनकी गेंद बहुत ही ज़्यादा स्विंग करती है और अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को मात देते हैं। मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए वनडे T20 टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद सिराज को एशिया कप में खेलने का पहली बार मौका मिला है। अगर उनका प्रदर्शन एशिया कप में शानदार रहेगा तो उन्हें इस बार होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यारी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में और किन किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।